अरे चैला खबारे ओए घर में मोती भैया, अरे चैला खबारे ओए घर में मोती, और बिना भात न शोभा अम्मा होती। और घर को भैया बातन पूछे ना ते दारू पीठ दे जा। घर में चाहे कितनी धन दौलत भरी हुई मैया, जब तक बताइया दरवाजे पर नहीं आता है तब तक दरवाजे की शोभा नहीं होती, चाहे खाली आके खड़ा हो जाए। हमारी बहन बेटियों के घर में जब शादी होती है और जिनके भैया नहीं होते उन बहनों से पूछो, उस दिन कोन में बैठ के फूट फूट के रोती है, परमात्मा आज मेरा भाई होता तो बताइया बन के मेरे दरवाजे की शोभा जरूर करता। और भैया मेरे ही बाप तो नंगा है गया है, लेकिन हमें उम्मीद है मेरे चाचा ताऊ बहुत बड़े पैसे वाले। अरे कुनबा गोता बहुत तेरो, कहने लगी है माँ अरे कुनबा गोता बहुत तेरो, सासु ने भात भरे वो मेरो। अरे लखिया में झूठा लड़के रो, रामा अम्मा तेरो रही है धीरे धीरे, अरे करमन को फल धो रही है धीरे धीरे। अम्मा मुझे नहीं जाने देती हो। उसी समय रामा की सास ने मनसा सेठ को बुला लिया और बोली है तुम्हारी बहू का दिमाग खराब हो गया है, वो अपने बाप की रट लगाए हुए है। मनसा सेठ कहने लगा बहू तुम पागल मत बनो, अरे हमें भात आत की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत दौलत है, इसलिए तुम चुप्पा अपने घर में बैठो। हम तुम्हारे बाप की औकात को अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारे बाप की औकात क्या है। इतना जब कहा बंधु और बोला दर दर की ठोकर खाए रहो है और घर में ना आया खाने को, हमने तो पानी त्याग दिया है उसी दिना से समझाने को, हमने तो पानी त्याग दिया है। रामा कहने लगे पिताजी मैं अच्छी तरह से जानती हूं मेरे बाप के पास दौलत नहीं है, लेकिन पिताजी सुनो अबे हमने कई डल्लब लाए नहीं, उधर से ही लाना ना, उधर ही भेज देंगे तुम भले आदमी, कथा को आनंद बिगाड़ दो सबर। रोए रोए के बोली, रोए रोए के रामा कहे तेरे ससुरते भैया पानी, जा दौलत पे तुम घमंड।
बंद कर रहे हो पिताजी। क्या दौलत ठगनी काऊ के नाए बिरबानी, और कहने लगी मेरे ससुर अब है पीहर को जाऊंगी, और रो रो के सुनो आज आनंद मर जाऊंगी। भैया हिलकी भर नामान नूर धरन बचे मारो, दूर मनसा सेठ कहने लगा मरे मत ठहर। जब रामा ने कहा अगर तुम हमको नहीं जाने दोगे, पत्र नहीं लिखोगे, मेरे बाबुल को न्योता नहीं भेजोगे, तो मैं तुम्हारे आंगन में अपने सिर को पटक के मर जाऊंगा। मनसा सेठ बोला ठहर जा, हम तेरे बाप को पत्र लिख के भेज रहे हैं। सभा में पहुंचा, रामा को तसल्ली हो गई, लेकिन रामे नहीं मालूम कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है। इसने बंधुओं अपना दरबार लगाया, सभी हितु रिश्तेदारों को बुलवाया, और किस तरह से खत लिखा जा रहा है, बैठे गुजराती साह लिखाए रहे नरसी को पाती, गुजराती साहल खाए रहे कहने लगाए मनसा सेठ। ए लिखने वाले लिखिया ऐसा खत लिखो कि नरसी पढ़ करके जूनागढ़ को छोड़ के भाग जाए। क्या लिखा है देखिए, लिख लो अमित सामान रेशमी थान जड़े मान्यारे, ये रंग बिरंगे सफेद रे पीत और भैया नाम, और अतलस मखमल जी ने टुनटुनी दीन मोलके भारे मोलके उभारे, अनुथान रे जने मां भैया न्यारे, किताए अनुथान रे जने मां भैया न्यारे। देखिए आज उस गरीब की किस तरह से हंसी उड़ाई जा रही है उस सभा में। अरे अंडी मखमल जल जीरा, अरे जब चले लगे हुए हीरा 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 के जब भाव हीरा, और रामा के दिल बंध जाए हीरा। बोंदी बुल्ला बोलना शीश फूल नगदार, कर्ण फूल और झुमझुमी जिनकी अजब बहार। और शेर जी क्या लिखवा रहे, हसली हमेल मोहन माला लइयो तुम तो पचमनिया है, दुलरी तुलरी संग लइयो और संतर संगम है। दुनिया है चीजें तो कैसी लिखवाए रहो, आखिर को जात को बनिया है। और लिखवा रहा है सुंदर हीरा जड़े हाथ में कड़े के समझी लइयो, और रामा को बिछुआ साथ भार के लइयो, और सज धज के नरसी सेठ अदा से अयो। लिखिया मुस्करा रहा है, कैसी हंसी उड़ाई जा रही है।
और बोला समदी साहब ने ओ पूरे समदी साहब हो जो पूरे हाथी दांत के लियो चूड़े और चीज सब भारी भारी गिन के लियो आप समारी हसी के कहिए है धीरे धीरे कलम रगत है और नए प्रमोद मुस्का सौ सौ मन मेवा लिख दीनी सौ सौ मन हल्दी सौ सौ मन सुपारी नींबू नारंगी सेब संतरा पता नहीं बंधुओं क्या क्या लिखवाया सौ सौ मन से जान एक चीज कमे नहीं लिखवाई तब तक रामा की सास आएगी और कहने लगी चिट्ठी लिखी जा रही है हाँ तो मैं भी कुछ लिखवाना है बोली हाँ हाँ का लिखवाना है तो का बोली जे डुकरिया देखिए हाँ ये डुकरिया तो डुकरा फेर कर दो और लिखान लगी रामा की सासुर साई है कोई पथरा